तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, मुझे लगता है कि खुशखबरी पे खुशखबरी है, आपके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बार क्वालिफाई किए हैं। और ऑब्वियसली आपका लक्ष्य यही होगा कि अब रिटर्न तक ये जंग ना लुड़े, कहीं ना कहीं आपकी जो जंग है वो फाइनल SSB तक है। एंड आई रियली फील प्राउड कि इस बार MKCN ने परचम लहराया है रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो मुझे लगता है कि देश के हर सीरियस एस्पिरेंट का प्लस MKCN का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि हम सब मिल करके एक फाइनली बेहतर डेस्टिनेशन और बेहतर रिजल्ट की ओर पहुंचे। सीरियस एंट्री देश में मुझे लगता है कि अगर NDA के बाद किसी मोस्ट क्रेडिबल एंट्री की बात करता हूं मैं, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की एंट्री की बात होती है। बस जरूरत है एक नए जज्बे और जुनून के साथ आपको अपने आप को पुश करने का और यह समझने का कि आखिर अपनी सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए। साल में दो बार क्रमबद्ध आपको मौके मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आर्मी की एंट्री के तौर पे हम इसको बात करें, IMA और स्पेशली OTA को हम कंबाइन करें, तो हमेशा सीट्स जो होती हैं वो 300 एबव के आसपास सीट्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक स्पेशल एंट्री से 300 ऑफिसर्स केवल आर्मी के लिए हर 6 महीने पे, दैट मीन अराउंड 600 ऑफिसर्स जो है हर साल जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर। तो मुझे लगता है अगर वाकई में नामी सपना है और डिफेंस फोर्सेस सपना है तो सीरियस एक बेहतर एंट्री है। और इस बेहतर एंट्री को जब रिटर्न से आपने बेहतर बना लिया है तो SSB में भी आपको बेहतर बनाना है। इन्हीं सारी चीजों पे छाया डालने के लिए और एक ग्रेजुएशन एंट्री के बच्चे को किन बातों का SSB में ख्याल रखना है और कैसे अपने SSB में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना है, इन सारे पहलुओं पे आज एक बार फिर से हमारी बातचीत होगी कैप्टन्स के सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड ऑब्वियसली हम लगातार सर 10+2 एंट्री की बात करते रहे, बट एक जो ग्रेजुएट क्राउड है इस देश का जो काफी मेच्योर है सर, सेंसिबल है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्टेड है सर, कंफ्यूज है कि आखिर SSB के लिए उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो कुछ आज छाया डालें कि आखिर ग्रेजुएट एंट्री सीरियस है क्या और बच्चों को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए इसके लिए। सर देखिए, ग्रेजुएट एंट्री का मतलब है ये इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन द एज जहाँ पर इनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन इन टू लाइफ, इनकी भी ये तो देखिए समाज की ज़रूरत है। और चॉइसिस इनके पास इतनी ज़्यादा है कि ये फोकस, आपको 2% कैंडिडेट मिलेंगे जो फोकस्ड होते हैं, 98% सारे ऑप्शंस खोलते हैं। दिस इज अगेन ट्रू, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत जो ये नहीं समझते हैं, 10+2 बच्चा जो आता है उसके जो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं और इनके जो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं, देखिए ये ग्रेजुएट है वो 12वीं पास है, उसकी एज आपसे कम है, प्लस आपकी ट्रेनिंग 1.5 साल की है या 11 महीने की है, उसकी ट्रेनिंग 4 साल की है, ये सारे पहलू देख करके आपकी ट्रेनेबिलिटी तय की जाएगी। जब तो वो पहले वाले से या NDA या 10+2 एंट्री की अपेक्षा आपको बहुत कम मिलता है, जहाँ पर स्कोप इनके पास मतलब मार्जिन ऑफ एरर इनके पास कम है, राइट, ये इनको पहले सोच के चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे आपने डिफाइन ही कर दिया कि सर 10+2 लेवल पर टर्नेबिलिटी स्कोप ज्यादा है और ग्रेजुएशन पे कम है, और सच भी है कि ड्यूरेशन भी फर्क पड़ता है, वहाँ 4 साल का टाइम है, यहाँ 1 साल का ही टाइम है, तो फर्क तो पड़ता है इन चीजों का। पर प्रश्न ये बनता है सर कि कहीं ना कहीं 10+2 लेवल पे कैंडिडेट के अंदर बड़ा नेचुरल एटीट्यूड भी देखने को मिला, बड़ी इनोसेंसी होती है सर, जस्ट 10+2 किए होते हैं, अपीयरिंग के कैंडिडेट्स होते हैं, इतना दुनियादारी उन्होंने नहीं देखा होता है, सामाजिक संघर्षों से नहीं गुजरे हुए होते हैं, तो लाजमी सी बात है कि उनके अंदर का जो ऑर्गेनिक वर्जन है वो काफी हद तक जिंदा रहता है। बट जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन एंट्री का हिस्सा बनता है, कॉलेज लाइफ, सोसाइटी, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर जहां उसको प्रत्यक्ष जीवन से रूबरू होना पड़ जाता है सर, और बड़ी प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर आ जाती है, तो इस एटीट्यूड को संभालते हुए कैसे अपने आप को ओरिजिनली रिप्रेजेंट किया जाए सर, ये एक अहम प्रश्न है बच्चों का। सर देखिए, ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है इनके लिए, दैट इज देयर इमोशन क्वेश्चंट, इमोशनल क्वेश्चंट जो इनका है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है इनको सिलेक्शन के लिए। दे आर इमोशनली इम्बैलेंस्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम, राइट, डिमांड ऑफ आर्म फोर्सेज इज अ यंगस्टर हु नीड टू बी मेंटली टफ एंड इमोशनली बैलेंस्ड, तो इनके साथ वो दिक्कत रहेगी। प्लस जब ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं इतने समय तक, दे वुड हैव अपीयर्ड फॉर सेलेक्शन बोर्ड सेवरल टाइम्स, या इतना सब कुछ हो गया और ये बेहतर करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डनरी, एंड इन टू दिस प्रोसेस दे स्टार्ट जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज। इनके अंदर देखिएगा एक आदत, आप इनके जब डोजियर हम लोग देखते हैं कहानी में, एक काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा काम शुरू हो जाता है और दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा फिर इन्वॉल्व हो जा रहा है। दे जनरली कम अक्रॉस मल्टीपल आइडियाज, दे आर नॉट फोकस्ड, और इससे होगा क्या सर, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज जो है वो इनके खत्म हो जाए। दे शुड बी क्लियर, रिमेन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं है इनको सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है सर कि जैसे आजकल डिजिटली बड़े रिसोर्सेज हो गए हैं,
ग्रेजुएट हैं तो समझदार थोड़ा ज़्यादा हो भी जाते हैं एक्चुअली। ये टॉन्ट के तौर पे भी है क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको एक फौजी बनना है तो हमें से समझना है कि आपकी समझदारी की भी एक लिमिट होनी चाहिए, वो अक्रॉस द लिमिट समझदारी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन ये आया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं डिजिटली सर, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये एक्चुअल ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब ही भूल जाते हैं। कॉपरेशन जो फैक्टर टू की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो पूरी तरह से कमजोर देखने को मिल रहा है। इन्हें ये लगता है कि एक थियोरेटिकल टेस्ट है जिसे हमें जाके देना है, बट इन्हें एहसास करना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल टेस्ट है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहां आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का इन्वॉल्व होकर जज होना बहुत जरूरी है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे जो इस माइंडसेट से चल रहे हैं कि हाँ डिजिटली मैंने 10 लोगों को देख लिया, मेरा काम हो गया, कितना रोल है रियल ट्रेनिंग का, रियल कैंपस में होने का और रियल ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का? सर जो सर इनके मल्टीपल आइडियाज है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ये जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं जी। 10 लोगों की बात सुनेंगे, आपके दिमाग में 10 विचार आएंगे और सबको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी। आप कभी वो फॉलो कर रहे हैं, कभी दूसरा कुछ फॉलो कर रहे हैं, और आजकल तो देखिए सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को गुमराह करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक फोटो आप डाल दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि फला सिलेक्शन बोर्ड में ये लास्ट टाइम दिखाई गई थी, व्यूज अपने आप बढ़ जाते हैं और सारे के सारे वही देख रहे होते हैं। उसके नीचे आप एक स्टोरी डाल दीजिए कि वो कहानी लिख करके, और नीचे आपने एक लाइन लिख दी रिटन बाय अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, सबकी कहानी हो जाती है वो। दे इवन डोंट वॉन्ट कि आप कुछ और बना सकते दे, आप कभी भी किसी के पीछे भागने लग जाते हैं, ये सिलेक्शन नहीं है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन यू गेट इंस्पायर्ड बाय समवन, राइट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड। और ग्रेजुएट कैंडिडेट, जहां बार बार हम यही कह रहे हैं ट्रेनेबिलिटी है नहीं आपके अंदर, पहले से आधी हो गई है, आपके लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अगर आप इन्फ्लुएंस्ड होकर के दूसरों के पीछे भागोगे तो आपको इंस्पायर्ड होना कोई सिखा नहीं सकता, राइट। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न फिर यही स्ट्रांगली आता है सर कि जहाँ ये सारी समस्याएं हैं तो उसका निवारण कैसा है एमकेसी के अंतर्गत? जैसे मैं एक आश्वासन इन्हें दूं कि एकेडमी का हिस्सा बनते हैं, ऑब्वियसली लकली ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम 14 डेज का नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उस एहसास का है जहां आपके अंदर हम फीलिंग लाते हैं इस चीज़ की कि आप कमिटमेंट के साथ कहेंगे ना सर दिस टाइम आई विल डू इट। इसके लिए 14 दिन लगे, 28 दिन लगे, 42 दिन लगे, एक साल में कितना भी बार लगे हमें फर्क नहीं पड़ता, इस बात से हम आपको एक ही बार में सारे एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। बट सर क्वेश्चन यही है कि अगर ये एकेडमी का हिस्सा बनते हैं सर तो किस तरह से हम इन्हें एक इंडिविजुअल फोकस के आधार पर बेहतर बना पाएंगे? सर हर कैंडिडेट को अलग से देखा जाता है। देखिए ये बड़ा अच्छी चीज है हमारी एकेडमी के अंदर जी। जब कोई कैंडिडेट आता है उसको TAT WAT समझाना SSB नहीं है, ये पहले ये इनके गलत फहमी अपने दिल से निकालना चाहिए। जो आप ये रटते हैं TAT WAT SRT आपका ये टेक्निक सीखने जा रहे हैं आप PGT के रट लेते हैं ऐसे लेवर बनाओ ये करो, ये टेक्निक सीख रहे हैं, बिहेवियर कौन समझाएगा सर इनको, राइट है ना। दबा हुआ सा बैठा हुआ है ग्रुप में और वो कहता है कि मैं ऑफिसर बनने आया हूँ, पूरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहे हैं, आपका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है, आप लो सेल्फ एस्टीम में जी रहे हैं, भाषा पर बिल्कुल पकड़ नहीं है, दिस इज व्हाट सॉफ्ट स्किल कोर्सेस। और हमको जब ऐसा लगता है कि भाई ये बच्चा बिल्कुल नीचे है, आप देखिए ना सर ग्रेजुएशन के बाद एक बच्चा आपसे पूछता है आकर के कि क्या सर हिंदी में बोलने से SSB सेलेक्ट हो जाएंगे जी, फिर उसका डिजायर उसका ड्रीम कहाँ गया? ये हैं वो लोग जिनके डिजायर्स इनके एक्शंस के साथ सप्लीमेंट नहीं होते हैं, देयर डिजायर्स आर अगेन सप्लीमेंटेड विद देयर डिजायर्स, और इन्होंने डिजायर्स के ऊपर डिजायर्स ही बांधना शुरू कर दिया, ये ख्वाबी पुलाव पकाते रहते हैं। इफ दे वुड हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग और या उसके साथ आप कुछ एक्शन लेना शुरू करते तो वो चीज़ें शायद इनके लिए काम करती। हम क्या करते हैं आने के बाद, अगर बच्चे के अंदर ये कमी है सॉफ्ट स्किल नहीं है, पहले उसको 10 दिन 15 दिन अंदर से खोलना पड़ेगा, वो जब तक अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहा है और मैं उसको ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की टेक्निक सिखाए जा रहा हूँ, मैं उल्टा उसको डरा दे रहा हूँ, वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा सर। जिस दिन उसके अंदर से ये हौसला डेवलप कर दोगे कि मैं बोल सकता हूँ, उसके बाद उसे कुछ सिखाया जा सकता है, राइट, वेरी राइट सर। मुझे लगता है कि वो बेसिक है, जब तक वही नहीं। इनका ड्रॉबैक क्या है जो लोग मास ट्रेनिंग के पीछे भाग रहे हैं, इमारत बनाने जा रहे हैं, बुनियाद है नहीं सर उसकी, right. नींव नहीं तैयार हुई है और हम 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ढहना है उसको बनना ही नहीं कर रहा, तो बुनियाद सर बिल्कुल मजबूत बनाई जाएगी एमकेसी का हिस्सा बनने पे। ये सारे सेगमेंट तो है ही, बट एक क्वेश्चन लगातार ही आ रहा था कि सर जो हमारी साइकोलॉजी है वो काफी हद तक बदल चुकी है, एक तरह से हमने बहुत कुछ देख लिया है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होती है सर जहां हमारे जो एक्शंस हैं वो प्रैक्टिकल हों,
या फिर रियलिस्टिक हो, या कभी कभी लगता है इस सिचुएशन में ऐसा ही हो सकता था। हर समय हम सर आइडियली हीरो नहीं बन सकते, मतलब जिन कैंडिडेट्स का जो मैच्योरिटी के साथ मेरे को कहना रहता है, तो ये सेगमेंट क्या है, मतलब जो इस तरह का इनका माइंडसेट बना हुआ है कि किसी भी सिचुएशन को देख करके उसमें एस्केप प्लान ज्यादा बनाते हैं बजाय उसको जो है डन करने का और खत्म करने का प्रोसीजर कहीं ना कहीं। सर इनके जो सॉल्यूशंस भी आप देखेंगे बहुत रियलिस्टिक नहीं होते हैं। गो फॉर रियलिस्टिक थिंग्स। हर बार सुपर हीरो बनेंगे ऐसा कोई जरूरी ना, सुपर हीरो बनकर के कोई नहीं कहता कि आर्मी में आज तक कोई सुपर हीरो नहीं है, दे ऑल आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। आप इनटू द प्रोसेस रियल अप्रोच से भाग रहे हैं, खुद को पहले उस जगह रख करके देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये सर इनको क्या लगता है ये पेपर पे आंसर लिख रहे हैं, इसको कोई पढ़ेगा, इसको राइट और रॉन्ग में चेक कर लिया जाएगा। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन साइकोलॉजी, ये यूनिवर्सली ट्रू चीज है। साइकोलॉजी कभी भी सही और गलत हो ही नहीं सकती, एवरीवन इज करेक्ट। हाँ, ये एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल होती है सिर्फ। दूसरा, आप उस जगह पर जब खुद रह करके देखेंगे एक सिचुएशन जिसका रिप्लाई, एक आइडियल रिप्लाई आप लिख रहे हैं जिसमें सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक वही सिचुएशन पढ़ करके आप अपने आप को उस सिचुएशन में देख रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअल में दिक्कत सर यही पॉइंट पे आ जाता है, ये खुद को ना अज्यूम करके किसी और करेक्टर को इमेज फ्रेम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़ा है या जिसने जो सिखा दिया, दैट इज द थिंग। तो मैं ये इनको आश्वस्त करूंगी सर जब इनके साइकोलॉजी टेस्टिंग होगी तो इस तरह की स्टोरी राइटिंग का जो सेंस है या सेंटेंस फ्रेमिंग जो इनकी है या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करने का नेचर है, काफी हद तक हम इनका सही कर पाएंगे। सर बिल्कुल सही होगा, और मैं तो बिल्कुल इनको कह सकता हूँ कि देखिए सर कितने जगह पर ये लोग जाते हैं, ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं ये लोग, सर इनका साइकोलॉजिकल डोजियर देख करके लोग जवाब दे देते हैं, ऐसी कहानी लिखो ऐसी कहानी लिखो, वो असेसमेंट नहीं माना जाता है अनलेस कि अगर इनका PIQ फॉर्म नहीं पढ़ा है असेसर ने, वो डोजियर कैसे पढ़ लेगा। एग्जैक्टली। और बिना PIQ फॉर्म पढ़े आपका डोजियर नहीं असेस हो सकता है किसी भी कीमत पर। ये पूरी बात समझ नहीं पाते हैं, पीछे पीछे भागने थे। मुझे लगता है डिस्कशन हमारा आपका फिर से डीप जाना शुरू हो गया है, बट ये जरूरी है आपके लिए समझना कि जिस तरह के साइकोलॉजी के पहलुओं के आपके क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ, सर मॉक इंटरव्यू में भी ऐसे ही प्रश्न थे, लेकिन इन प्रश्नों को अगले सेशन में हम रखने की कोशिश करेंगे। जहां बच्चों का प्रश्न था कि सर ग्रेजुएशन इंटरव्यू में आने के बाद बहुत सारे ऐप आ जाते हैं जो कि बड़ा कॉमन है, इसमें हम आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं, लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग अदर तरह की सर लत भी लगती है जो कि बड़ी नेगेटिव है, स्पेशली जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, अब आज के डेट में सर नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, तो ये इनका बड़ा प्रश्न रहता है कि ये तो सच है सर मुझसे पूछा जाएगा और मैंने किया है, सर मेरे को क्या जवाब देना है। तो ये जवाब आपको अगले सेशन में मिलेगा। और GTO को लेके भी क्वेरीज रहती हैं सर कि हम फिजिकली अब उतने फिट नहीं रह गए सर जो हम 10+2 पे थे, कहीं ना कहीं दोनों के जवाब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अगले सेशन में इस चीज को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। मैं सारे ग्रेजुएट बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये समय अच्छा है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, जिस तरह NDA में बूम हमें दिखता है देश का, ग्रेजुएशन में भी बूम दिखाइए। मेजर तुलसी परिवार आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए और आपकी सफलता की ओर आपको ले जाने के लिए। विश यू ऑल गुड लक, और जैसे भी सुझाव और जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, आपका हर आदेश सर आंखों पर होगा और फिर से हम हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।